भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश सप्तम मंडल गोरखपुर के तत्वावधान में 28वीं मंडलीय स्काउट गाइड रैली बख्शीपुर स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर योगेंद्रनाथ सिंह ने माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि, दीप प्रज्वलन तथा गुब्बारा उड़ाकर इस प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया। जिसके संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्रनाथ सिंह ने बताया कि स्काउट गाइड संस्था एक गैर राजनीतिक संगठन है जो बच्चों में चरित्र निर्माण के साथ साथ नेतृत्व के गुणों का भी विकास करती है। वर्तमान में नई शिक्षा नीति के तहत भी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में प्रतिभागिता अनिवार्य कर दी गई है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ यह संस्था बच्चों में अनुशासन और सेवा की भावना भी विकसित करती है। उन्होंने कहा कि आज समाज में बढ़ते भेदभाव को देखते हुए स्काउट गाइड संस्था द्वारा समाज में अपनी अलग भूमिका का निर्वहन किया जाता है। जब जब देश व समाज पर विपदाओं का संकट गहराता है, तब तक स्काउट गाइड संस्था के लोग बढ़ चढ़कर समाज सेवा के लिए कार्य करने को तैयार रहते हैं। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अरुण कुमार सिंह, सहायक प्रादेशिक संगठन आयुक्त सप्तम मंडल नौशाद अली सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल योगेंद्रनाथ सिंह ने कहा, गीता देवी जी मौजूद हैं, मंच पर आसीन समस्त रैली मंच की तरफ फेस करेंगे, एक तरफ घूम जाएंगे, मंच की तरफ फेस अपने अतिथियों का अभिवादन करेंगे जनरल सलूट से। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आसीन समस्त अतिथियों से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये नन्हे प्यारे स्काउट्स और गाइड्स आपको सलामी देकर के सैल्यूट करके आपका अभिवादन करना चाहते हैं। थैंक यू सर, अपने स्थान पर पुनः बैठने का निवेदन करूंगा। चित्रपल मल्यार्पण कर अर्चन दीपार्जन कर उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि स्वागत करें आदरणीय चित्र पर मल्यार्पण करते हुए एक साथ अधुपार ताली बजा। श्री राम जन्म सिंह सर देवरिया, आदरणीय शिवानंद नायक सर जिला कमिश्नर गाइड पहुंचाने में सर आपने काम किया है, पूरे प्रदेश में ही नहीं इस पर भी आपका एक स्थान है और मंडल गोरखपुर को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा अहम सहयोग रहा है। सर के लिए साथ ताली स्वागत की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच मौजूद है कैंप लगाकर स्वागत करने का करें जिला संगठन आयुक्त गाइड जैसे झंडा गीत शुरू भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। गीत 3 प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा ऊंचा सदा रहेगा झंडा। भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सदा रहेगा। मैं चाहूंगा मंच पर आ जाए ब्यूरोटी का लेकर के चलो नगे जी चलिए एक साथ विमोचन के पश्चात मैं भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश गोरखपुर की 28वीं मंडलीय स्काउट गाइड रैली 2022 के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। हो रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गुब्बारे को उड़ा करके रैली हाथों पर बजा। बहुत खूब जब किसी जगह की नदी प्यारे गाइड अपने सलामी मंच की तरफ अतिथियों का अभिवादन करते हुए किसी नगर के सभी गाइड्स हैं।
बहुत खूब, बहुत अच्छे, शाबाश, और अच्छे, बहुत खूब, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे। ये आ रही है नदी प्यारी गाइड दिनपत देवरिया की। दिनपत देवरिया की अपनी एक अलग पहचान है पूरे उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते जाए, कदम ताल करते रहे, मार्च पास करते रहे, अपने स्थान पर भी बढ़ते रहे। बहुत खूब, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छी गाइड, नदी प्यारी गाइड। क्या चेहरे की मुस्कान है, इनके मन में थकान बिल्कुल नहीं है। अपने अतिथियों के स्वागत में, सम्मान में, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। देवरिया की सीना चौड़ा करते चल रहे हैं अपने अतिथि के स्वागत में, सम्मान में। ये अंदर जोश और खरोश की कोई कमी नहीं है। सभी गाड़ी के लीडर उनको बढ़ाते भी रहे, इधर से मोड़ करके, बहुत अच्छे, शाबाश, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, कदम ताल, मार्च पास नहीं रुकेगा। तो सलामी दे रहे हैं, आ रहे हैं जनपद महाराजगंज। जनपद महाराजगंज की टीम को मैं बताना चाहूंगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय जमहूरी कर्नाटक में गई हुई है। लगभग 36 स्काउट गाइड वहां पर भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जमहूरी में 55,000 स्काउट गाइड एकत्रित है एक ही कैंपस में, सब कमरों में रह करके वहां रैली हो रहा है। और इस जनपद देने के लिए हम सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर इनको दीर्घायु दे और हम सबके ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। नन्हे प्यारे स्काउट और गाइड, बहुत खूब। ये महाराजगंज की टीम कितनी अच्छी टीम, कितने अच्छे ढंग से, कितने व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। कदम से कदम मिलाते हुए, हाथ से हाथ चलाते हुए, चेहरे से मुस्कान लिए हुए, हंसी के फूल खिलाए हुए, नन्हे प्यारे स्काउट और गाइड, बहुत अच्छे, शाबाश। कदम ताल करते रहिए, रुकिए नहीं गाइड, कदम ताल करते रहिए, रुकना नहीं है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, कदम चलाए जा, बहुत अच्छे, बहुत जनपद गोरखपुर के नदी प्यारे गाइड, बहुत को, बहुत को, कितने खुशी मन से कर रहे हैं। उसका वर्धन के अंदर उसका फूट फूट के भरा है। ऐसे मुख्य आयुक्त को पा करके, ऐसे मुख्य अतिथि को पा करके, ऐसे शिक्षा विभाग के सम्मानित अधिकारियों को पा करके, बच्चों के अंदर वो जज्बा, वो जोश, वो खरोश और जग रहा है। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे जनपद गोरखपुर की टीम। आपका होस्ट जनपद है, आप मेजबान भी हैं और कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके कलर मार्च पास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जनपद गोरखपुर के स्काउट, पिपराई क्षेत्र कॉलेज के स्काउट हैं, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश, बहुत अच्छे। कॉपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराई के स्काउट, बहुत अच्छे, शाबाश, सलामी देते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय को, विशेष अतिथि महोदय को और जनपद के जिला मुख्यालय महोदय को, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। कदम ताल करते रहिए, कदम ताल करते रहिए, अपना स्थान लेते रहिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत खूब, बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। क्या जज्बा, क्या जुलूस है होस्ट जनपद गोरखपुर का। जनपद गोरखपुर की बाबा गोरखनाथ की अपनी है, बाबा गोरखनाथ के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छे आज। इस वक्त 28वीं मंडलीय रैली भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश सप्तम मंडल गोरखपुर के तत्वावधान में आज प्रारंभ हुई है। और इस प्रतियोगिता में, इस रैली में मंडल के चारों ज़िलों से, यानी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के स्काउट और गाइड्स इसमें प्रतिभाग करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में स्काउट और गाइड्स की जो संख्या है वो 450 स्काउट्स यानी बालक होंगे और 450 गाइड्स यानी उसमें बालिकाएं होंगी। इनकी ये प्रतियोगिता आज से अभी उद्घाटन सत्र के बाद प्रारंभ होगी।
आज चार प्रतियोगिताएं इनमें कराई जाएंगी और आज रात्रि विश्राम यहीं होगा, कल भी रात्रि विश्राम यहीं होगा इन सारे स्काउट्स और गाइड्स का। उसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, उनके सोने और रहने के लिए इंतज़ाम किया गया है। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ये प्रतियोगिता जैसे कि पिछली तमाम प्रतियोगिताओं को इस विद्यालय ने गोरखपुर जनपद में आयोजित करके सफलता के शिखर तक पहुंचाया है, निश्चित रूप से 28वीं मंडलीय स्काउट गाइड की ये प्रतियोगिता भी अपनी सफलता के शीर्षतम स्थान पर पहुंचेगी। ये हर बस बच्चों की स्काउट और गाइड रैली होती है जो जनपद स्तर पर भी होती है और मंडल स्तर पर भी होती है, प्रदेश स्तर पर भी होती है। उसी क्रम में जनपद स्तर पर जनपदीय रैली का आयोजन स्काउट गाइड का हो चुका है और अब आज जो है मंडल स्तर की रैली इस MSI कॉलेज के प्रांगण में हो रही है। चारों जनपद हैं हमारे मंडल के, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज।